पावटा साहिब में विकास की राह देखते देखते रास्ता अपना दम तोड़ चुका है। आज हम आपको पुनवर गांव की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सालों से विकास का इंतजार कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए करीब 3 साल होने को हैं, लेकिन आज भी प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां की आवाम व्यवस्था परिवर्तन का इंतजार कर रही है। उन्हीं कुछ हिस्सों में से एक है पांवटा साहिब, जहां लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। हम आपको बदहाली की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पांवटा साहिब के पुनवर गांव की है, जो सरकारी विकास के दावों से कोसों दूर है। जी सही सुना आपने, एक बार जरा फिर देखिए कैसे एक बुजुर्ग मरीज को पीठ पर उठाकर ले जाने को मजबूर है यहाँ के लोग। ये भी देख लीजिए, सड़क कच्ची है, दिन के उजाले में लोग जान जोखिम में डालकर चलते हैं और रात को जान हथेली पर रखकर। तकलीफें इतनी जो शब्दों से बयां ना हो, लेकिन स्थानीय फिर भी कोशिश करते हैं। जरा सुनिए, हमारे यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है फैमिली से या कोई भी गांव में बीमार हो जाता है तो एकदम उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े। कैसे ले जाए, रास्ते का प्रावधान नहीं है, रोड नहीं है हमारे पास, हम उसको पैदल कंधे पे उठा के किसी तरह से सड़क तक पहुंचाते हैं। आधे तो रास्ते में ही मर जाते हैं। किसवीं सदी स्टार्ट हो गई है, अभी तक हमारे गांव में रोड नहीं है। कहीं भी ऑल हिमाचल में देखो, सब जगह हम घूमे, हमने हर जगह देखे हुए, गांव दो घर के लिए भी रास्ता मिला हुआ, दो घर के लिए भी रोड, और 200 लोग रहते होंगे कम से कम, लेकिन हमारे पास सड़क नहीं है। हम पैदल आते हैं, बाइक रखी है, क्या फायदा, इतनी दूर 3 किलोमीटर दूर हमारी बाइक पड़ी है। यूं तो कहा जाता है कि बच्चे उज्जवल देश का भविष्य होते हैं, बच्चों को देश का फ्यूचर कहा जाता है, लेकिन अब आप इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ आलम कुछ और ही है। यहाँ बच्चों का भविष्य ही जब खतरे में है तो देश का भविष्य भला कैसे उज्जवल होगा। गांव में सड़क, स्कूल, बिजली, इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है। सरकार की पहुंच से दूर इतने हैं यहाँ के लोग कि मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आते। तमाम मुश्किलें होने के बावजूद भी यहाँ के ग्रामीणों का भोलापन देखिए, उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं। प्रशासन से बस इतना कह रहे हैं, सड़क दे दो सरकार। हम पुनवर से, हमें यहाँ रोड की बहुत आवश्यकता है जी, हमें रोड यहाँ चाहिए। 4 किलोमीटर दूरी पे चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ा रास्ता है जी। इस गांव के जो लोग हैं अपने घर बार जमीनें छोड़ने के लिए मजबूर है, और लगभग कई लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, तो यहाँ के लिए ना तो कोई सुविधा है, ना स्कूल है, ना सड़क है। तो हम प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि यहाँ के लिए कुछ ना कुछ सुविधा प्रोवाइड की जाए। गांव के लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं, लेकिन वफा की उम्मीद करें भी तो किससे करें, जब प्रशासन खुद ही आंखें मूंदे बैठा हो। कहते हैं इंतजार की अगर हद नहीं होती तो होनी चाहिए, सब्र की भी इंतहा होनी चाहिए। याद कीजिए, लौह पुरुष राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, लेकिन यहाँ तो इंतजार भी भूल चुकी है कि वो कब से इंतजार में है। जनता टीवी के लिए पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।